मुरादाबाद के अकबानपुर नगर पंचायत के इमामबाड़े पर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि देर रात चोरों ने इमामबाड़े के ताले को तोड़कर उसमें चांदी, तांबे और पीतल के पंजों को लेकर फरार हो गए। और साथ ही ये भी बताया गया है कि मुहर्रम की एक तारीख से लेकर अब तक जो चंदे की रकम वहाँ रखी थी उसको भी चोरों ने अपना निशाना बनाया है। इस पूरे मामले पर इमामबाड़े के रखरखाव में लगे लोगों ने पुलिस को सूचना दी है और इस घटना को जल्द से जल्द खुलासा करने की पुलिस से अपील की है। साथ ही ये भी बताया गया है कि क्षेत्र में छुटपुट घटनाएं चोरी की आए दिन हो रही हैं। मुरादाबाद के अगवानपुर नगर पंचायत के मोहल्ला सादात स्थित मीर खैरात अली इमामबाड़े के ताले तोड़कर नकदी सहित लाखों का पीतल चांदी का सामान चोरी हो गया है। चोरी की घटना के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया और शिया समुदाय में एक रोष भी उत्पन्न हो रहा है। सभी का ये कहना था कि अब चोरों ने धार्मिक स्थानों को भी अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। जीवकार हैदर ने बताया कि लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए का पीतल और चांदी के अलम के पंजे व गुल्लक में रखी नकदी भी गायब है। ऐसे में अगवानपुर पुलिस को इस घटना की सूचना दे दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरी घटना की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि लगातार यहां पर चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में अगवानपुर में रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल भी उत्पन्न हो रहा है। कभी गाड़ी की बैटरी गायब हो जाती है तो कभी घर के बाहर रखा सामान भी गायब हो जाता है। ऐसे में लगातार हो रही घटनाओं की वजह से हमारे समुदाय में एक रोष भी उत्पन्न हो रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि धार्मिक स्थानों पर चोरी की घटनाएं अगवानपुर में हुई हों, मगर अब धार्मिक स्थानों पर भी चोरी की घटनाएं होने से चिंताएं और भी बढ़ गई हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि यहां पर नशे का सेवन करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से ये घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं। इस दौरान उन्होंने पुलिस से ये मांग की कि इस घटना का जल्द से जल्द खुलासा किया जाए। ये इमाम बारगाह मीर खैरात अली है, काफी पुराना 250-300 साल पुराना इमाम बारगाह है। यहाँ पर मजाली से कंटिन्यू होती है मुहर्रम के अंदर चेलुम तक, और मतलब ये दान पत्र वगैरह यहाँ पर पब्लिक का चढ़ावा आता है। हमारे इमाम बारगाह में इसमें पंजे हैं चांदी के और तांबे के पीतल के, वो भी सब उतार के ले गए। और यहाँ पर अली असगर का झूला था जो करीबन 25-30 किलो का था वेट उसका, वो ले गए। और यहाँ पर ये सब पंजे लगे हुए थे वो ले गए। ये नमाज के बाद यावर साहब जब आए तो ताला टूटा हुआ था, ये दरवाज़ा खुला हुआ था, यहाँ पर था कोई नहीं, सामान सब गायब था यहाँ से। लगभग कितने का सामान हुआ जो माल बताया? ये मान के चले 1.5 से 2 लाख रुपए का सामान हमारा चोरी हुआ है इसके अंदर, क्योंकि 14 से 15 पंजे हमारे चांदी के थे जो कदीमी पुराने हैं। 3 किलो चांदी या 2.5 किलो चांदी तो मान के चले आप उसको, और तांबे के करीब 12-15 पंजे चांदी के उसके गए हैं, पीतल के और तांबे के। तांबे के गहवारा अली अजहर अलैहिस्सलाम का था 15 से 20 किलो का पीतल का, जिसपे लोगों की बहुत ही आस्था, जो बेऔलाद औरतें होती थी वो इसके ऊपर अपना चढ़ावा चढ़ाती थी और उनको गोद उनके अल्लाह ताला उनको नवाजता था। और हमारी बहुत ही धार्मिक आहत हुआ हम लोगों को इस बात से कि हमारे अजा खाने के अंदर चोरी हो गई है। पुलिस को सूचना दे दी आपने? पुलिस को हमने सूचना दे दी है, इंचार्ज साहब आए थे, हमने तहरीर इंचार्ज अखबार लिखित में तहरीर दे दी है और कैमरों की चेकिंग हो रही है इस वक्त। अच्छा, इससे पहले भी किस क्षेत्र में कभी ऐसी घटना हुई? कभी यहाँ पर नहीं हुई, यहाँ पर कभी नहीं हुई, यहाँ पर नहीं हुई है, मगर जो है आसपास के क्षेत्र में इस वक्त नशे वाले लोग जो हैं वो बहुत चोरी कर रहे हैं इस वक्त, जिससे हमारे हम लोग गाड़ी बाहर खड़ी करने नहीं, हमारा मोहल्ला सबसे महफूज मोहल्ला माना जाता था, आज तक कभी यहाँ चोरी नहीं हुई है। गाड़ी की बैटरी चोरी हो रही है? अब गाड़ी की बैटरी भी है, हमारा सोलर भी चोरा के ले गए यहाँ से, जो इमाम बारगाह का सोलर पैनल था वो ले गए, बैटरा ले गए हमारा उठा के यहाँ से। बहुत चोरी घटना आए दिन हो रही लगातार, करने वाले का ग्रुप बढ़ा है जब से बस्ती के अंदर जगह जगह चोरियाँ हो रही हैं और काफ़ी पब्लिक परेशान है। बाहर कोई चीज़ वाहन खड़ा नहीं कर सकते और दरवाज़ा भी खुला हुआ है तो अपने ले जाते हैं। और इसी वजह से इस इमाम बारगाह में पहली बार ऐसा हुआ है, जबकि कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ जो यहाँ पर चोरी हुई है। ये मानते हैं कि जो नशे नशा करते हैं? हाँ, ये सब लोग वही लोग हैं, सब ये वही लोग हैं जो नशा कर रहे हैं इस वक्त। हमारी बस्ती के अंदर नशे वो उनको ना धार्मिक देख रहा है ना किसी का आम निजी संपत्ति देख रहा है, उन्हें चोरी करने से मतलब है, बेचना है। और ज्यादातर सामान जो चोरा ले रहे हैं वो अगवानपुर के जो कबाड़ी लोग हैं, ये सारा सामान वही कबाड़ी लेते हैं, सब उन्हीं की शह है, वही इसका उनसे इस्तेमाल करवा रहे हैं, पैसे देते हैं और उनसे कहते हैं भाई लाके सामान बेचो हमारे पास।